ये मसाला फुलवड़ी गुजरात का फेमस स्नैक है। आज इसे हम बिल्कुल वही गुजराती टेस्ट के साथ ही बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही बहुत ही कुरकुरी भी होती है। इसे आप 10 से 15 दिन तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर खा सकते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान होता है। नमस्कार, मैं करुणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे। इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए हमने लिया है ये 1 कप और ये 2 कप। मैंने ये 2 कप नॉर्मल बेसन लिया है। यदि आपके पास मोटा बेसन हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप रवा, ये बारीक दाने का रवा है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले। इसे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 छोटी चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून लिया है वाइट तिल और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। यदि अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें टाटरी डाल लें। और साथ ही हम लेंगे 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। इसे हाथ से अच्छे से क्रश करके इस तरह से डालेंगे। और ये लिए मैंने मेथी, ये कसूरी मेथी है, थोड़ी सी ले लें और इसे भी हम हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने शुगर पाउडर। और इन सभी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास मोटा बेसन हो तो आप सूजी को या रवे को 1/4 कप लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमें मोयन गरम करना है तो इसके लिए मैंने लिया है ये 1 तड़का पैन और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप तेल। और ये अगर टेबल स्पून से देखें तो ये 6 टेबल स्पून ऑयल है और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सोडा और ये देखिए अच्छे से अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्म गर्म ही हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से ही गर्म ही डालना है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। इस डो को हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए ताकि ये पतला ना हो जाए। और ये देखिए लगभग मुझे 3/4 कप इसमें पानी लगा है। और ये देखिए अच्छे से ये बस इतना ही इसे हमें सॉफ्ट रखना है। और अब हम इसे रखेंगे सेट करने। तो मैं इसे 20 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख दूँगी। और चलिए 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बस बढ़िया है, परफेक्ट अच्छे से फूल गया है ये बेसन। और अब हम फूलबड़ी बनाने के लिए मैंने ये एक दूध की पॉलिथीन ले ली है। आपके पास यदि सांचा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं होता है तो इसलिए हमने इसको प्लास्टिक बैग के माध्यम से ही बना रहे हैं हम इसे। और देखिए अच्छे से मैंने इसको भर लिया है और अब हम करेंगे कटिंग इसकी। तो छोटा सा आप एक कोना काट लें इस तरीके से। और अब चलिए तेल हम रखेंगे, हमारा तेल मीडियम गर्म हो गया है। और अब हम एक एक करके इस तरह से फूलवड़ी को इसमें डालते जाएंगे और उसको इस तरह से काट के ये देखिए ताकि ये अच्छे से शेप आ जाए इनकी। और जैसे ये ऊपर आएंगी फिर हम इसे पलटेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और बाद में हम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे तलना है। देखिए हमारी फूलबड़ी तलकर तैयार हो गई है। इसे सेकने में मुझे 8 से 9 मिनट लगे और ये देखिए हमारी बढ़िया सी ये फूलबड़ी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी फूलबड़ी बनकर तैयार हुई है। और देखिए मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी बढ़िया बनी है और यकीन मानिए टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी बनी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए ऐसी ही कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।